是成绩不减也是जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। आप मन के स्वागत है स्वाति साहब ब्लॉग में। और आज के दिन हरी दुर्गा अष्टमी के दिन मतलब कि नवरात्र के आठवां दिन ही आगे ठीक है, नवरात्र के आखिरी दिन ये वीडियो बना रहे तब वो आखिरी सभी लोग आगे। तो फिर हमन जाने वाला हन कोकान मंदिर। कोकान मंदिर में है दुर्गा माँ की प्रतिमा जेकर पूजा पाठ अर्चना होते। ये लड़का सब बुद्धि सद बुद्धि दे कर परीक्षा चला थे। भी एक देर बाद जाबो ना तो मन वही जाता है। तो आप मल आज मैं दिखाने वाला हूँ कोकान के मंदिर ला। कब के मगर हर नवरात्रि हो चाहे चैत्र हो चाहे उठनवा मन दोनों नवरात्रि में मतलब कि दोनों पक्ष के नवरात्रि में वहाँ जाता है कोकान मंदिर। तो एक बार भी जावा था कब के अष्टमी के दिन हवन पूजा होते तो मैं शामिल होकर जावा था। और साथ में आप वाला मंदिर भी दिखा दूँ कि मंदिर कैसे है और उसका रास्ता के तो वीडियो नहीं बना सकूँ कब कि मैं यहाँ गाड़ी चला हूँ तो वहाँ जाके मंदिर के ही बना पाऊँ। तो मंदिर आप माला दिखाऊँ तो अपन ब्लॉग में लास्ट तक बने रहूँ। और आप मन अगर नया हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाइक शेयर कमेंट घलो कर दो। हम तीन जन जावत हन एक में एक दो और एक तीन एक होती भगा के तो नहीं आना चाहे तो वीडियो में कभी लाओ भी नहीं खबर नहीं है वह नहीं पता हो चल ना जल्दी मैं गाड़ी निकालू। तो संगवारी अब अमन घर से निकला था वन मंदिर के बाहर में पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर में देखो दुकान लगे है नारियल के है और तरबूज वगैरह और पानी बॉटल रखा है रही से और मंदिर बाहर से कुछ ऐसे दिखते मन मंदिर जाए से पहले पैर वैर धो जो एक पार थोड़ा सा भी अपन देख सकते हो अपना नदिया है मतलब पानी बहुत रहती है हमेशा तिल में नदिया बोलते हो नरवा भी बोलते सब जन मन है तो वहाँ मन पैर वैर धो मछली वाला मतलब की मछली मतलब पैर वैर धोन फिर माँ बोलते कितना शिवलिंग में पानी चढ़ाना चाहिए पानी चढ़ावो करके लेकिन माँ छोटे हमेशा शुद्ध होते। और एक नंबर कैमरा थोड़ा से ब्लर पिछड़ा की कैमरा गंदा हो गया है साफ करे हो ओकर बाद साफ इच करत हूं जो का बाद मां ये वाला पानी मत चघाओ कुआं के चघाबो ये में पसर में ली से और पानी चघाबो शिवलिंग में चघाई से और मैं हां बोलत हूं कि कुआं के चघाबो से बोले ना बोले से कि पानी तो पानी होते फिर ओकर बाद एक मां चघाई से ओकर बाद महू मां के पीछे पीछे पानी चघाए बर जावा तो शिवलिंग के ऊपर क्योंकि शिवलिंग में जल हमेशा अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग में ही पूरा देव समाये रहते और थोड़ा सा मैं दे शिवलिंग के हाथ पैर भी दबाऊँ भोले बाबा के और माँ चावल देते जल हम अक्षत के लोग बोलते हैं ओला चखाए हावन और नंदी जी के और भोले बाबा के आशीर्वाद लिए हैं। मोर साथ साथ आप मतलब भी भोले बाबा के आशीर्वाद मिले और बाद हम वहाँ से आए के बाद नारियल ले हैं और इतना थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ा गिरी से तेल पूछा तरी से एक दूसरा लग कि कितना हुई कितना हुई और बाद नारियल ले हैं फिर नारियल ले के बाद मंदिर के अंदर आ गए और मंदिर के नाम है मतलब कि कल्याणी माता वहाँ निवास करते ये मंदिर में ता मतलब कि मंदिर के माता के नाम कल्याणी माता है और मतलब कि ऊपर में लिखाए भी है जय माता कल्याणी करके लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊँ बाद में दिखाऊँ लेकिन और पूजा होती सब अपना पास नहीं जा पाते रही लेकिन बाद में जो हूँ और उसके बाद देखना महाराज मन बैठे रही चुका मन के आशीर्वाद लेते रहे और माँ तो सब जने जाना थी कब की माँ तो हर वर्ष की भांति वहाँ जाती और मैं यहाँ मतलब कि ये वाला नवरात्र में पहली आऊँ पहली बार आ रही हूँ और वो मैं आ चुके रही हूँ। ये हरे माता के स्वरूप कुछ ऐसे है जो मस्त लाल कलर के लूरा पहने हुए घंटी भी है इसका गोबर से मैं बैठी हुई नया लगी इसका घंटी पंडित जी थोड़ा सा बाहर इस काम कुछ काम रही तो कर बाद हम अंदर जा पकड़ के सोच रहे हैं लेकिन इतना मतलब कि वो समय बांध दे रही से कुछ कपड़ा से अंदर जा नहीं देते रही से अंदर जाना वर्जित रही से ओकर बाद हम के भोले बाबा के पास जितना सेवा के मन मतलब सेवा कर मन बैठे रही से फिर ये भोले बाबा के दर्शन कर थन और यही कर मर साड़ी जर घलो दे रही से अगरबत्ती ओकर बाद ये देख घंटी बजा थी
लेकिन वीडियो थोड़ा सा रोक दे रहे हैं और बाद वीडियो करे रहे हैं। नहीं तो कैसे मन बोलते कि मंदिर के रहे इसकी वीडियो बनाए वगैरह ऐसे करके, तो मतलब कि रोक रोक के बना हूँ। मतलब पहले पूजा कर लूँ ओकर बाद पाँव पर हूँ, उसके बाद फिर आगे जाऊँ फिर पूजा करो फिर पाँव पर फिर वीडियो बनाओ ऐसे चलती थी। फिर ओकर बाद एक बार मुनि जी की रीह से और बाहर में शंकर भगवान भी रीह से और एक बार फिर कमल पकड़े से वो अलग भगवान रीह से मुनि जी के सामने मतलब खुशबू अंदर गिरी से और माँ अंदर गिरी से वहाँ से आए के बाद शंकर भगवान और ये जो मर कमान घर है वो वाले भगवान लाऊ दिखाऊँ। कब बाहर में रखा रहती हर घर के दुआरी में तुलसी के चौरा वो कर आऊँ। और एक नहावे हमारे बजरंग बली जी जेकर प्रतिमा में स्पर्श नहीं करूँ। और ये देखो दुल्हा भी आ रही से शादी जाए पहले कोकान मंदिर पर मतलब कि आशीर्वाद ले कि सब चीज़ अच्छा से निकल जाए कर। और यहाँ एकदम शांत रही सो समय तब कि हवन की तैयारी चल रही थी। फिर ओकर बाद हम आगे सेवा वाले मन करा और पूछे हैं कि जरा सेवा का भुगतान तो मन बोले ठीक है गाला सब गाँव तो माँ एक तो गाना गाही शंकर भगवान के गाना बता तो बाजा मारे है बजा झुनझुनी झलक मारे है और मन इसने बैठे है लेना थी देखना वो काबर नहीं गाता गाना ला इसने मारे है सब वो है अंधे को तिरंधावा थे तोर क्लास सुबह ना थे और हमारे क्लास लगते 11:50 चल अंदर यहाँ पे जो जय माता दी ये दही ये में कम जल थी कात ना कुछ मिला नहीं ओकर बाद ये दे यानी कि हवन शांति मतलब कि हवन एक बार चालू हो गए है और सब जन बैठ गए हैं। और ये मतलब कि जब पूजा कराते तो दो जन मतलब कि एक जोड़ा बैठते अरे बाबा उदाई बैठे हैं जब गाँव के कहाँ खरी नहीं जानू मैं तो। और हम अनेक पर बैठे रहे हैं जब कि माता को कुछ करके नहीं बैठे करते हम अनेक पर बैठे रहे हैं। और पंडित जी ने कुछ निर्देश दिया फिर से बतावा था इसे। और ये देखो मैं मंदिर के नाम लाइक न दिखावा था जय माँ कल्याणी करके माता के और बाद में माता के रूप लाइक बार और दिखाए बार आप मल्ला माता के मंदिर के अंदर गए हों और जो मैं पूरा अच्छे से दिखाऊँ कब कि वो समय बहुत जन मन खड़े रही इसे तो मैं उतना अच्छे से वीडियो नहीं बना पाऊँ। फिर बाहर आ गए मैंने स्वाहा डाले बाद में आ गए उसके बाद श्वास वाह चालू हो गई से तो सब हवन कुंड में दादादरी से मतलब कि 5 प्रकार के चींदना मिला के बनाए जाते जो हवन कुंड में जो चावल डाले जाते बोला। और जैसे देखो जैसे आप कम होते वैसे ही पंडित जी आग लग के डालते हैं और हमारे बैठ चुके रहे हैं और सर्दी से हाँ बढ़ा सकती सुबह की ब्लॉग में आगे मुझे करते और हवा साथ ही साथ ब्लॉग हम नया नया चालू करने के लिए मतलब बहुत अच्छी यात्री से मतलब कोई वीडियो बनाते इसे करके मतलब हंसा तरीके ओकर बाद फिर पर पर महाराज जी कुछ कुछ पूजा ऊपर पतला वाला और बारिश जाना वाला अपना आरती को समय हो गई वाला नहीं खड़े हो अतरी से। और ओकर बाद मेरे आरती चालू और पंडित जी का शंख बजेगी और ये माता
थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, देखिए भी नहीं मतलब के सामने जावे तक तक और सब भूल गए थे शादी हो गई थी। चलिए घुमाइए फिर आरती खत्म होने के बाद वही दिन ही नौकन्या खिलाए जाते हैं और आप मन बोलूं कि नौकन्या नहीं नौकन्या तो यहाँ सब लड़का मतलब बैठा के खवाते और उसके बाद मतलब की माता मन के नाम ले मतलब की वॉइस रिकॉर्ड करा था तो इतना पता नहीं चली, लेकिन माता की परिक्रमा जब करते तो नौ दुर्गा के पूरा नौ रूपावे ब्रह्मचारिणी मतलब जय बोला तुलस दीदी लाही माला ला करते मतलब की मंदिर में परिक्रमा भी होती है माता की माता है स्कंद माता की जय कात्यायनी माता की जय काल रात्रि माता की जय महागौरी माता जय और सिद्धिदात्री माता की जय। फिर एक मैं जय बुलवा के मतलब खाना चालू करी और मैं आप मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सब लेकर मतलब बैठा के खाना खिलाते हैं और बाद भंडारा कार्यक्रम भी चालू होगी, सूर्य मंदिर भी खाना खा रहे एकदम गर्मी लग रही है कैसे दिखा था ना आपने देख ही सकते और उसके बाद ये देखो मस्त पूरी की और सब्जी रही है, सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रही थी और उसके बाद मन खाल बैठे भुक्कड़ मना बढ़ा सकते इसमें कोई वीडियो बनाते होता है ना उसके बाद बस घर जाए तैयारी चलती सर यहाँ जो मतलब कोई भी जाके